आप इनकम टैक्स देते हो? देश के पहले किसान जो इनकम टैक्स दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं और क्या प्रावधान है? अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, अपने आप को अमीर फील होता है। अच्छा, सरकार को पैसे बेचते भाई। ये देख लो हमारे स्टाफ को सारे तालियां बजा रहे हैं। सबसे बड़ा हाथ इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है। कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन 5-4 लाख रुपए की स्वीट को ना जाती हो। एक मोटा मोटी ओवरऑल एक मन में फूट सा रहा है, 30 एकड़ में टर्नओवर कितना जा रहा है? देख रहे हो, शर्मा रहे हैं। राम राम भाइयों, के हाल चाल साथियों। आज हम आए हुए हैं हरियाणा सोनीपत के अंदर गांव मनौली में। इस गांव की खासियत यह है कि यहां पे हर अगले किसान ने पॉली हाउस लगा रखा है और सभी बहुत ही अव्वल दर्जे की खेती कर रहे हैं। इन्हीं सब जानकारियों के लिए सबसे पहले आपको मिलवाते हैं फार्म के मालिक से। राम राम जी। राम राम जी भाई। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देते जी। मेरा नाम अरुण कुमार है, मेरे गांव मनौली, जिला सोनीपत, हरियाणा। और मेरी मेन जो खेती है वो प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन की है, और प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन के अंदर शिमला मिर्च की खेती मैं ज़्यादा लाइक करता हूँ। बहुत बढ़िया जी। तो यही है जी आपका ये पॉली हाउस? ये हमारा एम्प्रर है। अच्छा, साम्राज्य हमारा यही है। तो आपने प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन के अंदर यहाँ पे कितने पॉली हाउस लगा रखे हैं? मेरे पास टोटल 4 पॉली हाउस है और एक नेट हाउस। एक नेट हाउस है। यहाँ पे सभी लोग ज्यादातर शिमला मिर्ची की खेती कर रहे हैं और प्रोटेक्टिव के अंदर ही कर रहे हैं, उसकी क्या खास वजह है? देखो जी, पॉली हाउस के अंदर शिमला मिर्च की खेती सबसे फायदे का सौदा होती है। ये एक तो लंबे समय के लिए होती है। अच्छा जी। एक हाई वैलिड क्रॉप होती है, ज्यादा कीमत होती है, मुनाफा ज्यादा। अच्छा जी। और लंबी खेती है। अच्छा, लंबे टाइम तक देती है, प्रॉफिट मार्जिन अच्छे हैं। हाँ। और यहाँ की जमीन सूटेबल है शिमला मिर्ची की खेती के लिए। तो आप ही की देखा देखी तकरीबन 25-30 लोगों ने आपसे इंस्पायर होके शिमला मिर्ची का मॉडल आपका रेप्लिकेट कर रखा है। जी, जी, जी। तो आइए देखते हैं कि ये शिमला मिर्ची का क्या मॉडल है। आओ। तो भाई साहब, आपके कितने एकड़ है कुल मिला के, कितनी खेती हो रही है? मेरे पास 30 एकड़ की जमीन है। 30 एकड़ कुल मिला के आप खेती कर रहे हैं? जी जी। और ये प्रोटेक्टिव आपके पास 4 एकड़ में है? 4 एकड़। अच्छा जी। आप मेनली यहाँ पे लाल पीली शिमला मिर्च की खेती कर रहे हैं, ये खेती की शुरुआत कैसे हुई? उस पे आने से पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा कि आपने पढ़ाई लिखाई कैसे करी और आप खेती बचपन से करते आ रहे थे या आपने बाद में इसको प्रोफेशनली उठाया? वैसे तो एग्रीकल्चर हमारे दादा लाई खेती है। अच्छा जी। बट पिताजी ने बोला कि आप है ना खेती नहीं करनी, आपको इंजीनियर बनना है। अच्छा जी। तो मैंने इंजीनियरिंग की थी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ये किस साल आपने कंप्लीट करी जी? 88 में। 88 का हमारा बैच था, 91 में हमने कंप्लीट करी थी। 91 में आपने इंजीनियरिंग कंप्लीट करी, कहाँ से? कंझावला पॉलीटेक्निक से। कंझावला पॉलीटेक्निक से। उसके बाद मैंने सर्विस की, कम से कम 4 साल सर्विस की गुड़गांव के अंदर। अच्छा। 4 साल की सर्विस के बाद मैंने 4 साल और बाहर काम किया। अच्छा जी। उसके बाद मैं खेती में आया। बाहर कहाँ, कैसा काम था जी? मेरा प्रॉपर्टी डीलिंग का काम था जी। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम था। फिर ये 8 साल आपने काम करने के बाद खेती में आने का आपका क्या विचार बना, कैसे हुआ ये? घर की सिचुएशन के हिसाब से, पिताजी एक्सपायर हो गए थे। अच्छा। तो खेती करनी पड़ी मुझे। ओ। तो 30 एकड़ की जमीन थी, तो जमीन को भी संभालना जरूरी था। अच्छा। तो आप शहर दिल्ली का सब छोड़ छाड़ के फिर अपने गांव मनाली वापस आए? जी, जी। और फिर आपने खेती चालू करी? जी। जब आप यहाँ आए तब यहाँ पे पोलियो वगैरह नहीं होगा कोई भी? कुछ भी नहीं था जी, यहाँ पे गेहूँ धान की खेती होती थी उस टाइम पे। गेहूँ धान। डीजल फूकता था, डीजल इंजन थे, तो थक 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 पूरे दिन ऐसे करते रहते थे पानी की सिंचाई। हाँ, और किसानों की सिचुएशन ये थी कि गांव में ज्यादातर कच्चे मकान थे उस टाइम पे। अच्छा। और लोगों ने 2002 से पहले तो चेक नहीं देखा था, चेक क्या होता है। जब मैं खेती में आया तो मैंने पहले देखा, सिचुएशन देखी कि हर किसान के ऊपर इतना कर्जा था कि गेहूँ के पैसे धान में और धान के पैसे गेहूँ में लग जाते थे, अपने लिए कुछ नहीं बचता था। कर्जा उतारने में निकल रहा है सारा। कर्जा उतारने में निकल रहा था। तो मैंने पूरी रीडिंग करने के बाद ये वो कयास लगाया कि भाई धान गेहूँ में कुछ नहीं होने वाला, कुछ नया करेंगे तो कुछ होगा। अच्छा। तो इसीलिए 2002 के अंदर हमने एक यहाँ पर एक कंपनी थी एवर फ्रेश के नाम से। अच्छा जी। तो उसके लिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की स्वीट कॉर्न की। स्वीट कॉर्न की आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करी जी। फिर वहाँ से आप शिमला मिर्ची पे कैसे आए? स्वीट कॉर्न में सक्सेस लगने के में लगे जी 4 साल। अच्छा। 4 साल के अंदर हम पूरे सेट हो गए,
तो हमारे स्वीट कॉर्न की एक सेट फसल होगी। अच्छा, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चलती रही। उसके बाद उसी कंपनी से पूछा और कुछ लगाना है, तो उन्होंने कहा शिमला मिर्च लगा दो हमारे लिए। अच्छा, तो उन्होंने शिमला मिर्च की खेती कराई। उसके बाद अगले दो साल के बाद फिर ब्रोकली लगाई, फिर हमने अगले दो साल के बाद बीन्स की खेती की। अच्छा जी, इसी तरह से हर दूसरे तीसरे साल हमें एक नई क्रॉप लेते आए। फिर आपने अल्टीमेटली शिमला मिर्च पे कब स्थिर हुए आप? 2008 के अंदर हमने ड्रिप इरीगेशन लगवाया अपने खेतों में। अच्छा जी, तो ड्रिप इरीगेशन पे हमारी क्रॉप ना 20% यील्ड ज़्यादा आनी शुरू होगी। तो पहले हमने 2008 के अंदर ड्रिप इरीगेशन की। अच्छा, और 2011 के अंदर हमने पोली हाउस लगाया। ठीक है, तो पोली हाउस के अंदर शुरू शुरू में हमने लीलियम की क्रॉप की थी। लीलियम फूल की क्रॉप की थी। अच्छा जी, तो फूलों की खेती करने के बाद फिर नेक्स्ट ईयर हमने ना कैप्सिकम पे आगे। अच्छा, तो वैसे तो बदलते रहते हैं हम, कभी कैप्सिकम कभी कुकम्बर, पर मेरी जो फेवरेट क्रॉप है वो कैप्सिकम की है। उसका मेन कारण क्या है? मेन रीजन ये है कि एक तो ये लंबे समय तक चलती रहती है जी, तो सबसे फायदे का सौदा होती है। अच्छा, और उपज ज्यादा है इसकी। उपज ज्यादा है, पैसे भी ज्यादा है इसमें, इसमें मुनाफा भी ज्यादा है, ज्यादा टाइम के लिए हार्वेस्ट होती है, तो आपको इसमें अच्छा मुनाफा आ रहा है, तो इसलिए आपकी ये फेवरेट है। और फिर कैप्सिकम के अंदर हमारी एक्सपर्टीज होगी। एक्सपर्टीज भी हो गई, सही बात है, मास्टर हो गए हम इसके। बहुत बढ़िया। तो ये आप 2008 में जब ड्रिप लगवाए थे तब 1 एकड़ में लगवाए थे ना? नहीं, 4 एकड़ में लगाया शुरू। तब आपने स्टार्टिंग में 4 एकड़ में लगाया? स्टार्टिंग में 4 एकड़ में लगाया। 4 एकड़ के अंदर हमने रिज के ऊपर ब्रोकली की थी और कैप्सिकम। रिज माने की रेज्ड बेड? हाँ, बेड पर। ठीक है, तो आपने उसमें 4 एकड़ में ड्रिप लगाई, क्या खर्चा आ गया था जी? हेक्टेयर का था जी, एक हेक्टेयर के अंदर 1,10,000 रुपए की टोटल लागत थी उसमें। 1,10,000 रुपए 2008 में 1 हेक्टेयर की ड्रिप की कॉस्ट आई थी। इस पे सब्सिडी भी मिली थी कोई? 90% सब्सिडी थी उसमें। तो ये 90 सब्सिडी के बाद था, ये 90% नहीं, के नहीं, नहीं, नहीं। टोटल कॉस्ट थी 1,10,000 रुपए, उसमें से किसान को देने पड़ते थे कुल 10,000 रुपए। अच्छा, तो 90% सब्सिडी थी, उसके बाद आपको 10,000 रुपए देने हैं मात्र। आज के टाइम पे कोई ड्रिप लगवाना चाहे किसान भाई या बहन, तो कितना खर्चा आ जाता है पर एकड़ का ड्रिप का? अब करीब करीब 1,75,000 रुपए 1 एकड़ पे आएगा। अच्छा जी, तो उस पर 85% सब्सिडी गवर्नमेंट की है, हरियाणा सरकार के द्वारा 85% अभी भी दी जा रही अभी है। दी जा रही है। ये सब्सिडी वगैरह लेने में कोई ज्यादा समस्या तो नहीं आती? कोई समस्या नहीं आती जी, हरियाणा गवर्नमेंट तो बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है इस चीज को। अच्छा, हाँ। तो लगवा सकते हैं, और इससे आपने पहले ही साल के अंदर 20% प्रोडक्शन में फायदा ले लिया था, उससे आपकी यील्ड बढ़ गई थी। इतनी यील्ड बढ़ी थी कि उससे अगले साल मैंने पूरे 30 के 30 एकड़ में, 30 के एकड़ में क्या, हमारे जो फ्रेंडली सर्कल था ना, कम से कम 200 एकड़ में ड्रिप इरीगेशन किया था। 2009 में मतलब आपने 200 एकड़ के अंदर ड्रिप लगवा दी थी, आप इतने इससे इम्प्रेस्ड हो गए थे उस समय। हमने क्या किया, अपने अपने जैसी खोजी बंदे इकट्ठे कर लिए और उसमें अलग अलग खेती करनी शुरू कर दी। जैसे 3-4 लोग कर दे जिनका इंटरेस्ट था टमाटर के अंदर, बहुत अच्छा। तो वो टमाटर पैदा करने शुरू करते, किसी ने कैप्सिकम पे आगे, कोई कुकम्बर करने लगा, कोई मतलब अलग अलग क्रॉप पैदा करने लगे। तो हमने जिस कंपनी से कॉन्टेक्ट किया था उसको एक क्रॉप के कॉन्टेक्ट नहीं होता था, हमारे 4-5 क्रॉप जाती थी उसके बाद। आपको ये अच्छा फायदा मिल गया कि लाइक माइंडेड आपके जैसे मानसिकता के आपके किसान भाई आपके साथ जुड़ गए, और जहाँ एक अकेला बंदा अपने खेत में एडवर्ट एक्सपेरिमेंट कर रहा है वहीं पर ही 25-30-50 लोग यहाँ पे एक साथ अलग अलग फसलों के एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जिसकी वजह से सबको बहुत अच्छा फायदा हो गया। और आज के टाइम पे हरियाणा का सबसे अमीर गांव में से एक मनौली माना जाता है, जो आप घर की बात बता रहे थे, हम भी आते हुए देख रहे थे, पहले होंगे कच्चे मकान, आज तो किसी भी घर में मुझे मार्बल से कम कुछ दिखाई पड़ा नहीं। मार्बल तो दूर की चीज है जी, आजकल हर गांव में हर घर के अंदर दो दो गाड़ियां खड़ी है। अच्छा, सबके दुमंजले चढ़े हुए और सबके घरों में पैसे आते रोज की डेली। पहले 6 महीने में 10 दिन पैसे आते थे, अब 10 दिन ऐसे होते होंगे जब पैसे ना आते हो, बाकी आपका साल भर कंटिन्यूस आपकी प्रोडक्शन आती रहती है। और अभी अच्छा पैसा स्वीट कॉर्न है हमारे यहाँ पे, स्वीट कॉर्न की खेती में हम 11 महीने क्रॉप करते हैं, 11 महीने आउटपुट लेते हैं। 11 महीने स्वीट कॉर्न की फसल आउटपुट ले रहे हैं लगातार प्रोडक्शन। हमारे गाँव के अंदर कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन 5-4 लाख रुपए की स्वीट कॉर्न ना जाती हो।
क्या बात है। साथियों मैं आपको पहले ही बताना चाहूंगा, ये वीडियो होगी लंबी और इसीलिए बनेंगे 2-3 पार्ट, तो आप सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन की बेल घंटी दबा दो ताकि जब हम पोलिया उसके बाद स्वीट कॉर्न में जाए और भी जो 3-4 कमाल की फसलें कर रखी है वो दिखाएं, तब आपको वो वीडियो पता लग जाए यूट्यूब द्वारा ही। तो कहीं ना कहीं खेती के अंदर बहुत भारी घाटा भी है और बहुत ही ज़्यादा पैसा भी है, आपके ऊपर वो निर्भर करता है कि आप खेती को किस हिसाब से देखते हैं। आप खेती को ट्रेडिशनल ढंग से देखेंगे, घाटे का सौदा देखेंगे, वही चीज़ें करते रहेंगे जो होती आ रही है, तो वही घाटा खाते रहेंगे जो खाते आ रहे हैं। इनके हिसाब से प्रोग्रेसिव ढंग से आप नए नए एक्सपेरिमेंट करेंगे, लाइक माइंडेड लोगों को जोड़ेंगे, FPO वगैरह बनाएंगे, सरकार से सब्सिडी वगैरह जो मिल रही है वो लेंगे, कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जानकारी करेंगे, जहां 2 रुपए बचते हैं वो बचाने की कोशिश करेंगे, तो आप और आपका पूरा का पूरा गांव, मात्र 15 साल की बात है, ये 15 साल की बात है, सारे मिट्टी के मकानों से आज मार्बल से भी महंगे मकानों में आ चुके हैं, और सारा ये सिर्फ शिमला मिर्ची की खेती की वजह से ही है। मेनली सबसे बड़ा हाथ इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है जी। हमें ना मार्केट श्योर हो गई हमारी कि हमें इतने पैसे तो एक करोड़ में बचने वाले, बाकी हमारी मेहनत के ऊपर डिपेंड है कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण है कि जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते थे हम जी, जी, तो जी। हमारे को ऑर्डर मिला कि आप ब्रोकली हमें चाहिए। अच्छा, कंपनी ने ऑर्डर दे दिया। ये किस साल की बातें हो रही है? ये है जी 2006 की। अच्छा जी, 2006 की बात है। तो हमने पूरा सर्वे किया, सर्वे में ब्रोकली की यील्ड निकल गई 35 क्विंटल पर एकड़। अच्छा, हमने अपने पूरे जोरों शोरों से खाद वगैरह डाल के और ब्रोकली की खेती की, ठीक है, 10 रुपए किलो का कॉन्ट्रैक्ट था, 10 रुपए किलो आपका क्विंटल का, 10,000 रुपए उस टाइम पे 35-40,000 रुपए पर एकड़ की आमदनी होती थी। आमदनी मतलब टोटल जो पैदावार होती थी 35-40,000 की होती थी, ठीक है, एक एकड़ से। हाँ जी, ग्रुप का कमाल है, हमारे यहाँ एक बैठक बनी हुई है, किसानों की बैठक मानते हैं उसको जी, तो वहाँ पे डिस्कस करते हैं डेली, भाई आज ये खाद डाल देंगे, आज कूड़े का खाद करके मैंने ये जुताई कर दी, फिर अगले दिन दूसरे भी भाग रहे हैं कि भाई खेत में बढ़िया तरह से खाद के डाल के शीट वगैरह लगा दिया हमने। अच्छा जी, उसकी यील्ड आ गई जी 70 क्विंटल प्लस, आपके सर्वे में आई 35 क्विंटल, 35 क्विंटल सभी की आती थी, हमारी अपनी मेहनत से वो 70 क्विंटल प्लस चली गई, और रेट आपका मिल रखा था 10 रुपए किलो, 10 रुपए, तो उस टाइम पे 70,000 रुपए की कीमत अच्छी होती थी, 70,000 रुपए 2006 के अंदर, आज के टाइम के करीब 2-2.5 लाख, 2-2.5 लाख रुपए, तो हमारी क्रॉप 70,000 रुपए प्लस की गई, और उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था ना वो उनका पहले ही, जैसे उन्होंने 15 एकड़ लगवाए थे तो 10 एकड़ में उनकी पूर्ति होगी जो इंडेंट था, बाकी 5 एकड़ हमारे बैलेंस रह गए। बैलेंस रह गए, तो उन्होंने खरीदे या नहीं खरीदे? हमने पूरी ऐड उठा दी वहाँ पे, इंटरनेट पे भी डलवा दिया, जो फौजी कैंटीन है उसमें भी गए, पर वे 5 एकड़ हमारे खपे नहीं, इतनी प्रोडक्शन ऐसे हो गई, ऐसे ही खड़े रहे जी वे। उसके बाद क्या हुआ कि भगवान को देने थे उस साल पैसे तो आंधी तूफान आ गया, ओले पड़ गए जी, जितने यहाँ पे जम्मू कश्मीर ज्यादा इंश्योरेंस मिल गया और मारे उसके 1 लाख प्लस हुए जी। अच्छा, जो नहीं बिकी वो राम जी ने बराबर, राम जी ने बराबर कर दी। तो भगवान को जब देना होता तो छप्पर पाट के देता है, और जब भगवान को नहीं देना होता, हम आपको अभी फटे हुए पोलिया भी दिखाएंगे और उनके बारे में बताएंगे, वो छप्पर पाट के फिर ले भी लेता है, ये बिजनेस है, इसका असूल कुछ ऐसा ही है। इंश्योरेंस का आप बता रहे थे, सबसे पहले तो मैं 2 बातें करना चाहूंगा, एक तो मेन बॉटलनेक जो हर किसान को आता है, और आपने अभी खुद ही एक्नॉलेज करा कि मेन आपका फायदा इस खेती में इसलिए हो पाया क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आ गई, जिसका एक तरीके से हम कह सकते हैं अश्योर्ड मार्केट मिल गई आपको, जी, जी, जी। मंडी के धक्के नहीं खाने पड़ रहे, घर बैठे आपका उगाने से पहले मार्केट का आपको पता लग रहा है, जिससे आप कैलकुलेशन कर पाए, आप देख पाए कि हाँ भाई 1-1.5 लाख 2 लाख 1 एकड़ में बच रहे, तब आपने वो किया। तो ये मार्केट आप नहीं हो पाया 5 एकड़ आपका, तो उसमें आप बहुत ज़्यादा फंस जाते अगर ओले नहीं आते, तो ऐसे के अंदर क्या रहता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, कि अगर फसल जितनी बोलेंगे उतनी खरीदनी ही पड़ेगी या वो बैक ऑफ भी कर जाते हैं? उसका कॉन्ट्रैक्ट यही होता है कि भाई इतनी क्रॉप लेंगे हम, 1 एकड़ से 35 क्विंटल हम लेंगे। अच्छा, और 15 एकड़ के हिसाब से उन्होंने कैलकुलेट करके, अच्छा, और वो उन्होंने ले लिया अपना जो उन्होंने कमिटमेंट की थी, वो पूरी ले ली। आपकी प्रोडक्शन ज्यादा हो गई, हाँ, तो अब उसमें वो क्या ही करे, इसीलिए बच गया। कितने टाइम में पेमेंट रिलीज हो जाती है? अब तो डेली आती है, मतलब जैसे कि आज आपकी तुड़वाई हो गई, आपने कहा मेरी कल तुड़वाई हुई है, जैसे कल तुड़वाई है, आज आपकी कल तुड़वाई हुई है ना, कल आपकी इस पॉली हाउस में कितनी तुड़वाई हुई है?
मतलब क्विंटल में? हाँ, 8 क्विंटल। 8 क्विंटल तुड़वाई हुई, और क्या रेट मिला? 120 रुपये किलो। 120 रुपये किलो आपको मिला। तो वो चेक आपको हाथ के हाथ मिल गया, जो भी आपकी रकम बनी? आज आ जाएगा बिके, एक दिन के अंदर ही आपको चेक से आपके खाते में आ गया। वो तो अपने ऊपर डिपेंड है, हम पैसे आरती के पास छोड़ रहे हैं कि अपने बैंक में डाल रहे सीधे। अच्छा हाँ, पर बिकने के बाद है ना हमारी वो इनकम पूरी है, मतलब पेमेंट पा जाती है। पूरे बिजनेस मॉडल पे और कैसे शिमला मिर्च होती है, इस पे तो बहुत डिटेल में अभी हम बात चालू करेंगे, बट एक आइडिया के लिए अगर मैं पूछना चाहूँ, 8 क्विंटल आपका इस पॉलीहाउस से टूटा जी, 800 किलो हो गया, 800 किलो आपका 120 रुपये के हिसाब से कितना बन गया जी? करीब करीब 96,000 हो गया, 90 लाख रुपये आपके आ गए। तो ये कितने दिन बाद तुड़वाई आप यहाँ कर रहे हैं? अब तो एक हफ्ते में एक हो रही है। अच्छा, सर्दी होने की वजह से? सर्दी, जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी तो 15 दिन में टूटनी शुरू हो जाएगी। अच्छा अच्छा, राइपनिंग कम होती है। अच्छा, जैसे गर्मी होगी, बीच में गर्मी होगी तो जल्दी टूट जाएगी। तो इस पैच की प्रोडक्शन कब से चालू हो रखी है? इसकी 4th क्रॉप है जी, 4th तुड़ाई हुई है अभी। तो अभी नवंबर से ही चालू हुई है? हाँ, नवंबर से। अच्छा ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली हफ्ते में एक तुड़वाई हो रही है, एक पॉलीहाउस में से आपको 4-1 लाख रुपए हर महीने के आ रहे हैं अप्रोक्सीमेटली, जो आपका सेल हो रहा है। महीने बाद वो करते, शुरुआत में ज्यादा आएंगे, फिर बीच में कम आएंगे, फिर ज्यादा आएंगे। अच्छा, तो टोटल 10-12 लाख रुपए की हमारी हो सकती है इससे। ठीक है, चलो अभी बिजनेस मॉडल पे इनकम पे बात करेंगे, पहले ये समझते हैं हमारी ये लाल पीली शिमला मिर्च है, इसमें हरी शिमला मिर्च भी आती है, आप लाल पीली शिमला मिर्च ही क्यों करते हैं? देखो, प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन के अंदर हम नॉर्मल कैप्सिकम नहीं करते। अच्छा जी, ये पैंथ्रा कोर्फिक सीड होते हैं। उसकी क्या विशेषता है? इसके सेल्फ पोलिनेटेड होते हैं एक तो। अच्छा जी, और ये जो कलर चेंज करते हैं प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन के अंदर ही करते हैं। अच्छा, तो सेल्फ पोलिनेटेड का मतलब ये हो गया कि इसमें आपको बाहर से पोलिनेशन की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ। एक ही पौधे के अंदर मेल और फीमेल पार्ट हैं, वो वहीं पर ही पोलिनेट हो जाता है, इसीलिए ये पॉली हाउस या प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन, जैसे कि नेट हाउस हो गया, पॉली हाउस हो गया, उसके अंदर बड़े आराम से हो जाती है। लाल पीली आप हरे के मुकाबले ज़्यादा रुपये मिलने की वजह से, ज़्यादा मार्केट प्राइस होने की वजह से लाल पीली शिमला मिर्च आप करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो लाल पीली बोल रहे हैं, हम स्वीट पेपर बोलते हैं इसको, शिमला मिर्च तो देसी भाषा में शिमला मिर्च बोलते थे। शिमला मिर्च का साइज है ये, शिमला मिर्च होती है सब्जियाँ, सब्जी जो कैप्सिकम, जो हाँ कैप्सिकम जो ओपन में होती है, इसे बोलते हैं स्वीट पेपर। स्वीट पेपर, मीठी मिर्च या बेल पेपर भी बोलते हैं। बेल पेपर, बिल्कुल सही। तो ये सलाद है, इसकी सब्जी नहीं बनती। आपका अभी 120 रुपए किलो मंडी का रेट चल रहा है, और ये अभी थोड़ा लोअर साइड में ही है रेट एक तरीके से। हाँ, वो थोड़ा अप डाउन साध्यों के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, कभी पिछले साल तो 350 रुपए किलो तक भी गई है। 350 रुपए किलो, 1 किलो लाल पीली बेल पेपर, कुछ भी नाम ले लो, 350 रुपए किलो, तो हमने क्या फर्क पड़ना है। तो शिमला मिर्च जो है सब्जी वाली, हरी वाली जो कैप्सिकम है, उसका क्या रेट जा रहा है इन कंपेरिजन टू? जब ये 350 रुपए थी वो 80 रुपए किलो थी। अच्छा, और अभी ये 120 रुपए है, और तो वो 20 रुपए है। 20 रुपए है, तो यानी कि 5-6 गुना से ज्यादा प्राइस आपको लाल पीली शिमला मिर्च बेल पेपर में मिल रहा है। 2011 में आपने पहला पॉलीहाउस लगाया था, 1 एकड़ के अंदर ही हिसाब से लगता है ये, क्या डायमेंशन रहती है? 4,000 स्क्वायर मीटर का एक पॉलीहाउस होता है, जो एक किले में लगता है। लगा तो हम 1.5 एकड़ का भी लेंगे। हाँ हाँ, वो कोई फाइनल नहीं है कि भाई 1 एकड़ का लगाना, लगभग 2.5 एकड़ का एक किले लगा लेते हैं। अच्छा, 2.5 एकड़ का एक पॉलीहाउस भी लग जाता है। हाँ, 1 बीघे का भी लग जाता है। वो किसान जो है ना, जो साइंटिफिक तरीके से अगर हम करें तो 1 एकड़ का या 2.5 एकड़ का बेस्ट रहता है। अच्छा जी, क्योंकि इसके अंदर वेंटिलेशन की जरूरत पड़ती है। अच्छा, क्रॉस वेंटिलेशन नहीं होगा तो जैसे सेंटर में टेम्परेचर कुछ होगा, साइड में कुछ होगा, तो ज्यादा वेरिएशन आती है। तो क्या साइज ऑप्टिमम रहता है? 4,000 स्क्वायर मीटर, 4,000 स्क्वायर, 1 एकड़ का जो हिसाब वाला हिस्सा है 4,000 स्क्वायर मीटर, वो बिल्कुल परफेक्ट है। जी, तो जी, 2011 में इसकी क्या कॉस्टिंग आ गई थी आपको लगाने की? 2011 में इसकी आई थी 42,75,000 रुपए टोटल कॉस्टिंग थी। 42,75,000 रुपए 1 एकड़ के पॉली हाउस की, उसमें 65% हमें सब्सिडी मिली थी। तो आपकी जेब से कितना मूलधन लगा? करीब करीब 12 लाख रुपए। 12 लाख रुपए में आपने एक पॉलीहाउस बनाया था। फिर आपने कुल मिला के कितने पॉलीहाउस लगा लिए थे जी? उस टाइम पे तो जी 2 साल तो हमने एक ही रखा, फिर 2 साल के बाद हमने जैसे ही इसके पैसे पूरे हुए, हाँ, तो हमने अगले लगाने शुरू कर दिए। तो एक पॉलीहाउस लगाया, उसके मुनाफे से आपने 2 साल बाद ही दूसरा पॉलीहाउस लगा दिया। जी, जी, करते करते कितने लगा लिए फिर? मैंने 7 लगा लिए थे जी। 7 लगा लिए थे, पर अभी हैं 3 ही, 4
चार है लेकिन उसमें पॉली हाउस पिछली बार एक बाउंडर आ गया था यहाँ पे उखाड़ दिया उन्होंने। अच्छा स्टॉर्म आ गया था। प्रॉब्लम्स पे बात करेंगे लास्ट में, अब और रुका ना जा रहा, अब बताना चालू करो इसकी क्या प्रोसीजर रहता है शिमला मिर्च या बेल पेपर कोई अपने खेत में तो करना चाहे। इसके अंदर प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन के अंदर हम अगर शुरू से करें तो हम इसको ना पहले जमीन का ट्रीटमेंट करते हैं सोलराइजेशन से। तो शिमला मिर्च लगाने का सबसे पहला स्टेप है हमारा सोलराइजेशन का। सोलराइजेशन बेसिकली होता ही है कि जब मई जून जुलाई ये जो तीन महीने सबसे ज़्यादा भयंकर गर्मी के होते हैं, जब 45 डिग्री तक चले जाता है बाहर का टेम्परेचर, तब यही जो ऊपर आप पन्नी देख रहे हैं पॉली हाउस के अंदर लगी हुई ट्रांसपेरेंट पन्नी जो है उसी की पतली वाली एक पन्नी आती है स्पेशल जो 20 माइक्रोन की होती है। उस पन्नी को बिछाने से पहले ड्रिप लगा दी जाती है ज़मीन के अंदर और फिर पन्नी डाल दी जाती है और पानी छोड़ दिया जाता है। पानी छूटते ही भभक बनती है, ज़मीन से गर्मी निकलती है और वो गर्मी जो होती है वो पन्नी के नीचे ज़मीन में ट्रैप हो जाती है और 80 डिग्री तक का टेम्परेचर हमारा ज़मीन का हो जाता है। उससे होता यह है कि जितने भी कीड़े हैं, पैथोजन है, फंगस है, जिन्होंने अंडे दे रखे हैं, जो पिछले साल की फसल के अंदर अभी रह गए थे, वो सारे मर जाते हैं। कुछ बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी मर जाते होंगे इसमें, लेकिन फिर भी ये सोलराइजेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है जो 99% ऑफ द फार्मर किसान नहीं करते हैं। सही कह रहे हैं जी सोलराइजेशन एकदम शुरू में हमारे साथ यही हुआ कि हमने नहीं किया उसके अंदर है ना यहाँ इसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। अच्छा अगले साल क्रॉप 50% हुई और लागत दोगुनी आ गई। अच्छा क्योंकि स्प्रे वगैरह में खर्चा बढ़ गया। जी 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 जी। तो इसके बाद हमारा जी स्टेप टू क्या रहता है इसमें? जैसे हम सोलराइजेशन इधर सोलराइजेशन करते हैं उधर पौध तैयार होने के लिए दे देते हैं। पौध कहाँ तैयार होने देते हैं? ये गवर्नमेंट ने कंट्रोल कंडीशन के पॉली हाउस लगाए हुए जो ये इंडो इजराइल रिसर्च सेंटर है करोंडा का। करोंडा का। अच्छा अब तो प्राइवेट बहुत तो लोग बच्चों ने लगा लिया, हमने भी लगा लिया। जी जी जी। आपकी भी एक पॉली हाउस हमने देखा छोटा, सिर्फ नर्सरी का करना था, नर्सरी वहाँ भी आपको अभी लेके जाएंगे तो वहाँ पे पौधे डाल देते। 1.5 महीने 50 दिन लगते पौधे तैयार होने में और 85 दिन लगते सोलराइजेशन में। अच्छा तो सोलराइजेशन के साथ ही आपका स्टेप टू चालू हो जाता है जिसमें आप नर्सरी का ऑर्डर लगा देते हैं। अब अलग अलग जगह लगा सकते हैं आप, नर्सरी खुद भी तैयार कर सकते हैं, वो हम बाद में दिखाएंगे। आप सरकारी इंस्टीट्यूट जैसे कि घरौंदा जो हमारा हरियाणा के अंदर एक गवर्नमेंट का रिसर्च सेंटर है, वहाँ पे 1 रुपया लेते हैं पौध का? वो अब 1.40 रुपये है। अब 1.40 रुपये होगा पर सीडलिंग। इसमें आपको बीज खुद लेके जाना होता है अपना? हाँ जी, हाँ जी। और वो आपको प्योद बना के दे देते हैं। अब तो किसानों को एक्सपीरियंस हो गया जी अपना लगा रहे हुए सब। बहुत अच्छी बात है। तो आप वहां से परचेज कर सकते हैं। ये सरकार से हमने जो प्योद ली उसमें 1.40 रुपये तो प्योद का कॉस्ट आ गया, और बीज का क्या कॉस्टिंग आती है? करीब करीब 7 रुपये का सीड आता है एक बीज 7 रुपये का है। तो ये बीज आपका 7 रुपये का एक आता है, प्लस आपका 1.5 रुपया ही मान लें हम लमसम करके, वो आपकी प्योत की कॉस्ट पड़ जाती है। आपका आने जाने का कुछ हो गया तो 9 नहीं तो 10 रुपये मान लो, 8.5 रुपये सीड तैयार करने के हो जाते और 50 पैसे सीड लाने में ट्रांसपोर्ट का, ट्रांसप्लांट तक 10 रुपये का खर्चा आ जाता है। ट्रांसप्लांट तक 10 रुपये का खर्चा आ जाता है। और खुद प्योत बना रहे हो तो कितनी कॉस्टिंग आ रही है? उसके अंदर 20% कम हो जाएगी बस। इसके बाद हमारा स्टेप 3 क्या रहेगा? इसमें जो बेसल डोज डाल के बेड निकाल देते हैं। अच्छा। और बेड निकाल के ट्रांसप्लांट कर देते हैं जो इसके न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है। अब आप ऑर्गेनिक ढंग से कर रहे हैं उस हिसाब से बेसल डोज जाएगा, आप कन्वेंशनल ढंग से कर रहे हैं तो उस हिसाब से माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति होगी। इस टॉपिक पे कि न्यूट्रिएंट्स की क्या खासियत है, किसमें क्या न्यूट्रिएंट लगता है, बहुत सारी ऑलरेडी मैं पहले ही वीडियो ला चुका हूं। तो हमने बेसल डोज कर दिया, ये इस हिसाब से ये बेड बना दी। बेड में हमारी एक बेड से दूसरी बेड की दूरी कितनी है? 80 सेंटीमीटर का बेड होगा, 80 सेंटीमीटर का पात होगा, फिर 80 सेंटीमीटर का बेड होगा। एक बात मेरे को और बहुत अच्छी लगी कि मैनेजमेंट A1 बोलूँगा मैं, हर एक नाली के अंदर एक खरपतवार नहीं दिख रही है, कोई भी ऐसा नीचे पौधा नहीं है जिसमें प्रूनिंग ट्रिमिंग ना हो रखी हो, प्रॉपर ढंग से आपने स्प्रे शेड्यूल से लेकर हर चीज़ फॉलो कर रखी है। पत्ता ही देख के समझ में आ जाता है कि शिमला मिर्च कैसी होगी, और अभी आपको शिमला मिर्च दिखा दी तब तो आप दो बार लाइक दबा दोगे, दो बार मत दबा देना वो अनलाइक हो जाता है। चलो हमने बेड बना दी, उसके बाद हम इस पर ड्रिप लगाएंगे। जी जी। ड्रिप लगा दी, बेसल डोज दे दी, फिर हमने इस पर ट्रांसप्लांट करना है। ट्रांसप्लांट करते हुए कोई विशेष ध्यान रखना होता है क्या? एक तो पौधे से पौधे की दूरी,
और लाइन से लाइन की दूरी का ध्यान रखते हैं। पौधे से पौधा और लाइन से लाइन, क्या रहेगी हमारी एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी? 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन? वही 50 सेंटीमीटर। तो ये है कि आपने तरीके से नाप के लगाना है, क्योंकि हर पौधे को अपने ग्रोथ के लिए जगह चाहिए, हवा आने की जगह चाहिए। जहाँ पे घोट बनने लगी वहीं पर ही आपकी इन्फेक्शन बीमारियां आनी चालू हो जाएंगी। बेसिकली जमीन तैयार करने का हमारा अभी तक का क्या खर्चा आ गया, जैसे कल्टीवेट होगा, रूटावेटर होगा, फिर रिज वाले से आप बेड बनाएंगे, फिर ड्रिप बिछाने में आप लेबर लगाएंगे। एक बेड का 150 रुपए का इसका ये बनाने का, ड्रिप बिछाने का और ट्रांसप्लांट करने का। अच्छा, पूरा खर्चा तो आपने जो 8-9 रुपए की प्योध ली उस पे एक बेड बनाने का खर्चा आ जाएगा 150 रुपए। 150 रुपए के अप्रोक्सीमेटली कितनी बेड है यहाँ टोटल? इसके अंदर 45 बेड है। 45 बेड है। और एक बेड की लंबाई कितनी है? 56 मीटर। 56 मीटर। तो ऐसी 45 बेड हो गई और 56 मीटर की एक बेड है। एक बेड में कितने पौधे लग जाते हैं? करीब करीब 200 के करीब लग जाते हैं। 200 के करीब पौधे लग जाते हैं और 200 पौधों का लैंड प्रिपरेशन लगाने का ड्रिप का खर्चा मात्र 150 रुपए है। कुल मिला के इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं 200 × 45 9-10 हजार के करीब एक एकड़ में। ये जो एक एकड़ का पॉली हाउस है 4000 स्क्वायर मीटर का, इसमें आपके पौधे आएंगे। तो आप अगर खरीदने जा रहे हैं तो आप 10,000 के करीब सैपलिंग्स ले सकते हैं, क्योंकि ट्रांसप्लांट करते हुए कुछ मरते भी होंगे, कुछ मोर्टेलिटी भी आती है, गर्मी होती है उस टाइम पे, कुछ अच्छा ना कुछ दिक्कत आती है। तो जी इसके बाद हमारा स्टेप 4 क्या आ जाएगा? हमने लगा दी, पौध हमारी जम गई, इसमें इरीगेशन क्या रहेगा, क्या स्टेप आगे आएंगे? शुरू में पहले 20 दिन हम इरीगेशन में पानी देते हैं, वो भी हड़का। अच्छा, जैसे हमने ट्रांसप्लांट कर दी, प्योध लगा दी हमने 50 सेंटीमीटर पे अपनी, तो उसके अंदर ड्रेंचिंग चलेगी हमारी मैनुअली। मैनुअली हाथ से पानी दिया जाएगा? हाथ से पानी दिया जाएगा, बहुत ही कम मात्रा में, पर्टिकुलर मात्रा और पर्टिकुलर दवाई। अच्छा, तो ये ड्रिप लगाने के बाद भी आप ड्रिप नहीं चलाओगे पहले के 20 दिन? पहले ड्रिप नहीं चलाएंगे, हल्की नमी दे लेंगे पूरे बेड को, एक बार नमी दे देंगे, उसके बाद ड्रिप नहीं चलाएंगे 20 दिन तक। 20 दिन तक ड्रिप नहीं चलेगा। हाँ, मान लो हम एक सिस्टम है, साइंटिफिक रीजन है। अच्छा जी। मान लो हमने सीडलिंग लगा दिया, पानी देते रहे, तो उसको जरूरत पड़ी नहीं, जड़ है ना वहीं की वहीं बैठी रहेगी उसकी। अच्छा, जैसे वो प्यासी होगी तो इधर उधर भागेगी ना। अच्छा, दूर तक फैलेगी। तो हम उसको ड्राई करते रहेंगे 20 दिन तक हम पूरा पानी नहीं देंगे, ताकि जड़े और जाए, जड़े और जाए। ये बेसिकली गाजर और मूली में भी करते हैं कि उनकी जड़े लंबे हो तो पानी कम देते हैं, और देते भी है तो नीचे से देते हैं। एक बार आपको मैं ये और बता दूं, ड्रेंचिंग बेसिकली होता ये है कि जो हमारा पानी वाला सिस्टम है, जो हमारी स्प्रे होती है, उसके आगे की टोटी खोल दी जाती है और फिर उससे पौधे के पास में पानी दिया जाता है। उसमें लेबर का खर्चा आता होगा? बिल्कुल आता है जी। कुल मिला के एक लमसम हम बोले तुड़वाई से पहले तक, हमने जो 10 रुपए कैलकुलेट कर लिया हमारी पौध लगाने तक का, इसके बाद हमारा लेबर में और कहाँ कहाँ मेन खर्चा आता है तुड़वाई से पहले तक का? निराई गुड़ाई, ड्रेंचिंग, प्रूनिंग, कटिंग, सारे आते हैं। तो ड्रेंचिंग में हमारा एक लेबर कितना एकड़ कर देता है, कितना हिसाब बैठता है? एक एकड़ में 4 आदमी पूरे खेत में ड्रेंच कर देते हैं एक दिन के अंदर। तो दिहाड़ी 400 चल रही है? 300 रुपये। 300 रुपये है यहाँ पे? बहुत ही बढ़िया। मेल की? फीमेल की। अच्छा, फीमेल ज़्यादा काम करती है यहाँ पे। फीमेल ज़्यादा काम करती है और मेल की 400 ही होगी? मेल भी सेम इसी रेंज में जाता है। अच्छा, यहाँ के मेल थोड़े कैसे हैं? अच्छे फीमेल ज़्यादा अच्छी है। फीमेल ज़्यादा हमेशा ही अच्छी होती है, कहने मतलब ज़्यादा वर्किंग है। देखो जी, पहले 20 दिन हम 2 या 3 रेंज करते हैं। अच्छा, हर तीसरे दिन भी करते हैं, वो सिचुएशन देखते हैं कि बीमारी तो कोई नहीं आ रही है। बिल्कुल। कई बार बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, पौधे ना सो जाते हैं, ज्यादा गर्मी से सो जाएंगे, ज्यादा पानी से भी सो जाएंगे, पत्ता मुरझा जाता है, विल्टिंग आ जाती है। तो अलग अलग तरह की सिचुएशन देख के उस टाइम पे तो आईसीयू होता है पॉली हाउस। आईसीयू? आईसीयू की तरह से। अच्छा। हर पौधे के ना निरीक्षण होता रहता है। बिल्कुल। कि भाई इसमें क्या प्रॉब्लम है और इसको क्या चाहिए। ठीक है, ये आपने 3 बार ड्रेंचिंग कर ली तो हमारे 3600 रुपए आ गए। हाँ जी, 3600 रुपए हमारा पहले के 20 दिन इसका एडिशनल कॉस्ट आ गया लेबर का, जो ड्रेंचिंग पानी देगी हाथ से उसका। इसके बाद हमारा फिर क्या केयर आएगी, क्या स्टेप 5 है? उसके बाद हम इरिगेशन फर्टिगेशन शुरू करते हैं। फर्टिगेशन, ठीक है जी।
फर्टिकेशन शुरू करते हैं और उसके 15 दिन के बाद इसकी प्रूनिंग शुरू हो जाती है। अच्छा, फर्टिकेशन में दो टाइप से हम इसमें खुराक देते हैं, एक तो जमीन तैयार करते हुए, उसे बेसल डोज बोलते हैं, उसे बेसल डोज बोलते हैं, वो तो बेड तैयार करने से पहले हो जाती है, और उसके बाद हम इसका थ्रू आउट द सीजन जो जो इसमें कमी आएगी, नाइट्रोजन, पोटेशियम, गोबर की खाद, एक्स वाई जेड, न्यूट्रिशन में इसका कितना खर्चा आ जाता है 10,000 पौधे यानी कि एक एकड़ का बेल पेपर का? डिपेंड करता है बट अप्रोक्सीमेट मैं मीडियम बताता हूँ, 1.5 लाख के करीब हमारा दवाई और खाद का खर्चा, दवाई और खाद का खर्चा आ जाता है 1.5 लाख रुपए, और तकरीबन 1 लाख रुपए हमारा आ गया था बीज का जो प्योद का था। ये सारी कैलकुलेशन हम आपको बड़ी मेहनत करके एक एक लिख के भी दिखाते हैं, और अगर आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आते हैं तो कर लो सब्सक्राइब, आपका कुछ नहीं आता, लिटरली फ्री है, लाइक भी कर दो। ये हमने लगा लिया, इसके बाद मेजर हमारा काम रहता है इसको टांगने का। हाँ, स्टैकिंग बोलते हैं इसको, इसको स्टैकिंग जो बोलते हैं, स्टैकिंग है जो हम इसको वर्टिकली ऊपर बढ़ा रहे हैं। इसमें सिर्फ बांधने का खर्चा रहता है, वो कितना आ जाता है लेबर का? करीब 15-16 हज़ार रुपये आ जाता है, 15-16 हज़ार रुपये हमारा इसको बांधने का आता है, बाकी निराई गुड़ाई और हमने फर्टिगेशन का तो 1.5 लाख रुपए में कैलकुलेट कर ही लिया था। इसको बांधते हुए कुछ ध्यान रखना है कि झटका ना है या क्या क्या कुछ ध्यान? इसको थोड़ा लू छोड़ते हुए और मेन तने को पहले लपेटते हैं। अच्छा, उसके बाद एक पौधे के अंदर 3 धागे लिपटे हुए। अच्छा, 3 धागे, ठीक है। मेन जो तना वो एक है, फिर बाद सपोर्टिंग आ जाता है। अच्छा, इसमें कितने टाइम तक ये ग्रोथ हो जाती है इसकी पूरी, कब हार्वेस्ट देने लग जाएगा ये? 90 दिन के बाद। 90 दिन के बाद ट्रांसप्लांट से? जिस दिन ट्रांसप्लांट की उससे 90 दिन के बाद हार्वेस्टिंग होगी, 3 महीने बाद। ठीक है, मेन लगाने का टाइम क्या है? आप इसकी प्योत किस मौसम में कब कब खेती करते हैं इसकी? जैसे अगेती होती है, सीजन की होती है, पछैती होती है? मोस्टली हमने एक टाइम डिसाइड किया हुआ है, 15 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में हम इसको ट्रांसप्लांट करते हैं। 10 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक, जब बाहर मौसम 35-40 भी जा रहा होता है, अंदर 45 होता है। शिमला मिर्ची ठंड की फसल होती है बट 45 डिग्री ये ग्रोइंग स्टेज पे सह लेती है, बट इसकी एक खासियत है कि जैसे जैसे ग्रो करेगी ठंड बढ़ती जाएगी, ठंड चाहिए, ठंड की तरफ को जा रहा है, बिल्कुल गर्मी से ठंड की तरफ को। गर्मी होगी तो इसमें फ्रूट की क्वालिटी और फ्लावरिंग में कमी आ जाती है, तो आप इसको 10 अगस्त में से 15 अगस्त तक इसकी ये सारी कार्रवाई होती है। 15 अगस्त भी हमने मान लिया या 10 अगस्त मान लिया, तो 3 महीने आपका, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 15 नवंबर से इसकी पहली हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है जी। अब तक आप इसमें से फिर 4-5 बार तुड़ाई ले चुके होंगे? 4 बार। 25 दिन के अंदर कितनी हार्वेस्टिंग आ चुकी है? कल आपकी लास्ट 40 क्विंटल के आसपास इसकी आ चुकी है। पिछले साल का डाटा देखें तो कितनी कुल मिला के प्रोडक्शन आ जाती है, यानी कि ये कब तक प्रोडक्शन देता रहेगा इस हिसाब से? टोटल एवरेज प्रोडक्शन हमारे यहाँ पे 250 क्विंटल तक आती है इसकी। 250 क्विंटल यानी कि 25,000 किलो प्रोडक्शन आ जाती है। 15 नवंबर से शुरुआत होती है हार्वेस्टिंग, कब तक तुड़ाई होती रहती है? मई तक तुड़ाई होती रहती है। जब गर्मियाँ होंगी तो हर 4 दिन 3 दिन 2 दिन में तुड़ाई होती रहेगी। जब नवंबर, दिसंबर, जनवरी की ज़्यादा कड़ाके की ठंड होती है तो इसमें हार्वेस्टिंग 15-15 दिन बाद होती है, क्योंकि फूल बनने की और फ्रूट के साइज बढ़ने में ज़्यादा टाइम लेता है ठंड के अंदर। सही कह रहे हैं जी? जी जी बिल्कुल। तो कुल मिला के लेकिन आपका 250 क्विंटल माल निकल आता है। हाईएस्ट आपने कितना अचीव कर रखा है इसमें? देखो जी, 350 क्विंटल तक निकल ली हुई है। 350 क्विंटल एक एकड़ से। जो आप एक स्टेप लगातार चलता रहता है वो होता है प्रूनिंग, आपने 2-3 बार मेंशन भी किया है। प्रूनिंग का मतलब एक तरीके से कटाई होती है पत्तों की, हम यहाँ पे देख भी रहे हैं अभी रिसेंटली यहाँ पत्ते कटे हुए भी हैं। प्रूनिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों जरूरी है, क्या ध्यान रखना है करते हुए, किस मौसम में करना होता है? एक्चुअली जो कैप्सिकम का पौधा ना, अगर उसकी प्रूनिंग ना करे तो उससे से अलग अलग ब्रांच निकलेगी, यूं फैलने लग जाएगा, फैल जाएगा, झाड़ी बन जाएगी, झाड़ी की तरह, बुश की तरह, बुशी पौधा हो जाएगा। हाँ जी, तो हमें बुशी नहीं चाहिए, हमको वेंटिलेशन भी चाहिए, हवा भी आड़ भी लगनी चाहिए जी, फ्लावरिंग भी चाहिए, इतनी फ्लावरिंग चाहिए कि वो स्टैक हो जाए।
अच्छा, वरना टूट के नीचे पड़ जाएगा। बिल्कुल, तो उसके लिए हम उसको प्रूनिंग करते हैं। अगर प्रूनिंग आप कम कर रहे हो तो आपको गैप बढ़ाना पड़ेगा प्लांट टू प्लांट का। यहाँ पे जो 50 सेंटीमीटर कर रखा है एक पौधे से दूसरे पौधे में, उसको बढ़ाना पड़ेगा। ये हाई डेंसिटी जो कर रहे हैं इसके लिए प्रूनिंग करना मस्ट है। इसमें हवा का संचालन होता रहता है, हवा जाएगी, कीड़े ज्यादा नहीं पनपेंगे, स्प्रे तरीके से लग पाएगा, तुड़वाई बढ़िया से हो पाएगी, ओवरऑल नीट एंड टाइडी भी लगा रहता है। तो प्रूनिंग मस्ट स्टेप है, जो हमारा ये 7वां और 8वां स्टेप है। यही है इसके अंदर जी? हाँ जी, प्रूनिंग के अंदर भी कोई बहुत ज्यादा खर्चा तो आता नहीं होगा? प्रूनिंग का खर्चा ये है जी, 4 आदमी परमानेंट एक एकड़ में लगे रहेंगे, वो हार्वेस्ट में भी काम आती होगी। हार्वेस्टिंग में काम करते हैं। तो आपके पास परमानेंट लेबर यहाँ कितनी है 30 एकड़ के लिए, जिसमें 4 एकड़ आपने शिमला मिर्च लगा रखी है? मेरे पास ऑन एन एवरेज 16 लेबर रहती है। ऑन एवरेज आपके 16 परमानेंट लेबर? परमानेंट लेबर। और फिर आप उसके अलावा दिहाड़ी के लेके आते हैं? दिहाड़ी के भी लेके आता हूँ। तो कुल मिला के लेबर में फिर कितना खर्चा कर रहे हैं? पूरे साल भर की एवरेज आते हैं 14 लाख रुपए की। 14 लाख रुपए आप लेबर पे खर्चा कर रहे हो? बड़ी बड़ी कंपनियां जो अच्छा पैसा कमा रही है वो भी इतना रोजगार नहीं देती है जितना यहाँ पे हर पॉली हाउस का मालिक गाँव को, और कहाँ कहाँ से लोग आ रखे हैं, बिहार से भी आ रखे हैं बेचारे, यूपी से आ रखे हैं, उनको यहाँ इतना रोजगार दे रखा है। एक मोटा मोटी ओवरऑल एक मन में फूट सा रहा है, 30 एकड़ में टर्नओवर कितना जा रहा है? देख रहे हो, शर्मा रहे हैं। साल के ऊपर डिपेंड करता है, 50 लाख से लेके 80 लाख तक चला जाता है। 50 लाख से लेकर 80 लाख तक का चला जाता है। कभी मंडी का भाव कम हो गया तो कम हो जाएगा, कभी मौसम अनुकूल नहीं रहा तो कम हो जाएगा। बिजनेस में ये टर्नओवर बताया मैंने, टर्नओवर, हाँ, इनकम नहीं है। बिल्कुल, अभी खर्चा कैलकुलेट कर रहे हैं ना इसीलिए तो 14 लाख उसमें से तो लेबर का खर्चा हो गया आपका। उसके अलावा और आपका जैसे मेंटेनेंस हो गई, 50% खर्चा मान लो जी, 50% खर्चा हो जाता है। मतलब ये है कि 30-40 लाख के बीच में मेन सूखा सूखा प्रॉफिट है जिस पे कोई इनकम टैक्स नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं कंपेयर कर रहा हूँ। इनकम टैक्स देता हूँ मैं। आप इनकम टैक्स देते हो? देश के पहले किसान जो इनकम टैक्स दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं और क्या प्रावधान है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, अपने आप को अमीर फील होता है। अच्छा, सरकार को पैसे बेचते भाई। ये देख लो हमारे स्टाफ को सारे तालियां बजा रहे हैं। 30-40 लाख रुपए अगर ले रहे तो 2.5-3 लाख रुपए हर महीने के हो गए, और 2.5-3 लाख रुपए की नौकरी 0.0001% इंडियंस को मिलती है, जो बहुत ही लकीली अच्छी कंपनी में लगे रहते हैं और 20 साल तक काम वहीं करते रहते हैं तब इतनी सैलरी पहुंचती है। हाँ, अगर यहाँ का लड़का है 22 साल 20 साल 18 साल कॉलेज कंप्लीट किया, स्कूल कंप्लीट किया, आपके छत्रछाया में आके सीख के कर रहा है, बहुत सारे बच्चे आते हैं, आते ही होंगे, तो वो नौकरी से कई गुना ज्यादा कमा लेंगे आने वाले 5 साल के अंदर ही। बिल्कुल, फ्यूचर यही है। साथियों, अगर आप खेती सही से सीखना चाहते हैं तो आप हमारे एग्रो बिजनेस कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे ऑर्गेनिक एकड़ इंस्टीट्यूट में वर्मी कंपोस्टिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, वेजिटेबल प्रोडक्शन के साथ साथ मधुमक्खी पालन और मार्केटिंग की बहुत ही वर्ल्ड क्लास लेवल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, और उन लोगों के लिए जो हमारे फार्म पे नहीं आ सकते, ऑनलाइन क्लासेस दी जाती है। सभी कोर्सेज को कम्प्लीट करने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, और जब आप हमारे फार्म पे आएंगे तो रहने और खाने की भी बहुत अच्छी आपको यहाँ पे व्यवस्था मिलेगी। इन कोर्सेज की अधिक जानकारी डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के आखिर में दी गई है। तो अभी के लिए चले वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पिछले साल की हम बात कर रहे थे क्योंकि अभी तो इसका सीजन चालू हुआ है। हमने मंडी के अंदर ये सारा आपने माल निकाला, कुल मिला के पिछले साल एक पॉली हाउस की कितनी प्रोडक्शन आई थी? 200 प्लस थी। कोई खास बीमारी वगैरह कुछ नहीं आई? नहीं, प्रोडक्शन पिछले साल कम आई। प्रोडक्शन क्योंकि कम आई, आपने 250 अप्रोक्सीमेट आ भी जाती है 250 क्विंटल। 50 क्विंटल कम क्यों रह गया, क्या खास वजह थी, कहाँ कमी रह गई? देखो, मौसम के ऊपर डिपेंड करता है, हर साल का मौसम एक सा नहीं रहता। जैसे पिछले साल पोल्यूशन ज्यादा था, 15 दिन तक पूरे धूप नहीं निकली, सूरज नहीं दिखा, तो जो नई वो लगी है ना शिमला मिर्च लग रही, वो टूट के नीचे पड़ गई। अच्छा, फ्लावर सेटिंग में दिक्कत आ गई, फ्लावर डॉपिंग हो गई, तो इससे थोड़ी आपकी करीबन 20% प्रोडक्शन कम आई पिछले साल। प्रोडक्शन कम आई, ठीक है, क्या मार्केट का रेट आपको वो मिल पाया जो चल रहा था? मार्केटिंग प्रोडक्शन कम थी इसलिए रेट ज्यादा थे। अच्छा, तो प्रोडक्शन आपकी कम थी, जाहिर सी बात है मौसम साथ नहीं दिया इसलिए बाकियों की भी कम रही होगी, इसी वजह से रेट अच्छा था। रेट अच्छा, क्या एवरेज रेट गया और हाईएस्ट कितना गया? एवरेज रेट 100 रुपीज के जी एवरेज गया आपका नवंबर से लेकर मई तक। और हाईएस्ट किस समय गया और कितना गया?
और 350 रुपये किलो तक गया और सर्दियों का सीजन था इन दिनों में, यही जो सर्दियों का चलता है ठीक है, और पिछले साल सर्दियाँ भी ज़्यादा थी। अच्छा, तो डिमांड बनी रही। पिछले साल हरी शिमला मिर्च का रेट 100 रुपये तक चला गया था। अच्छा, और तो जैसे हरी मिर्चों का रेट ज़्यादा होता है ना, तो बेंगलोर में या कुछ लोग जो किसान हैं जैसे नेट हाउस है ग्रीन में निकाल देते हैं। अच्छा, तो ग्रीन में निकालने के बाद वो जो कलर कैप्सिकम को ग्रीन में निकाल दिया। अच्छा, एक इस टाइम पे डिमांड कम मतलब खपत ज़्यादा रही और जो वो है जो प्रोडक्शन वो कम होगी। एक इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देना भूल गया, कोई भी कलर्ड कैप्सिकम जो करता है उसको ये ध्यान रखना होता है कि जब भी शिमला मिर्च आएगी पहले हरे रंग में ही आएगी, उसके बाद 2 हफ्ते के अंदर तकरीबन वो अपना कलर लेती है। अगर पीले का बीज है तो फिर येलो रंग की हो जाएगी और लाल का है तो रेड रंग की हो जाएगी। जब मंडी में हरी शिमला मिर्च का ही रेट 100 रुपये चला गया तो लोगों ने 15 दिन इंतज़ार नहीं किया और लाल पीली शिमला मिर्च वाले भी हरी शिमला मिर्च को ही बेच दिए, जिसकी वजह से लाल पीली शिमला मिर्च 350 रुपये किलो मंडी में थोक का बेचने का भाव चला गया, खरीदने का तो शायद 500 तक चला गया होगा। तो ये आपने यहाँ से 350 रुपये आप बोल रहे हैं, ये कितने टाइम तक का फेस था? मतलब ये तो नहीं है कि एक ही बार का था, हफ्ता 10 दिन कुछ रेट अच्छा रहा? नहीं, डेढ़ महीने तक अच्छा रेट रहा, डेढ़ एक महीने तक अच्छा रेट रहा था। तो कुल मिला के पिछले साल कितने रुपए आपको आय हो गई थी इससे, यानी कि टर्नओवर कितना चला गया था? डेढ़ गुना ज्यादा इनकम हो गई थी, डेढ़ गुना ज्यादा, 20 लाख तक की इनकम चली गई थी एक पॉली हाउस से। 20 लाख रुपए एक पॉली हाउस से शिमला मिर्च की सेल हो रखी है। अच्छा, उसमें आपका खर्चा हमने कैलकुलेट कराया था 3-4 लाख के करीब, 4 लाख प्लस होता है, 4 लाख के तकरीबन खर्चा हो रखा था। तो 15-16-17 लाख हर अलग अलग पॉलियोस के हिसाब से इनकी आमदनी हुई थी, 4 एकड़ में लगा रखा था, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं 15 के हिसाब से भी 45 लाख रुपए 50 लाख रुपए के बीच में सिर्फ पॉली हाउस के अंदर जो ये शिमला मिर्च कर रखी है उससे मुनाफा हुआ था। इसके बाद घाटा भी हुआ, वो इस साल हो गया, अब उसकी भी बता दो क्योंकि आपको आइडिया पूरा होना चाहिए भाई, ये मत बोलना कि 29 मई के आसपास एक बॉन्डर आया यहाँ पे। अच्छा, और सेंटर यही था यहाँ का, वो उसने पूरे पोली हाउस को इकट्ठ बिखट कर दिया, 3 पोली हाउस तो बिल्कुल डैमेज कर दिया उन्होंने, जो आपके 7 पोली हाउस थे वो 4 ही रह गए। तो ये कुछ इंश्योरेंस वगैरह कुछ नहीं कर रखी होती कि ऐसे में इंश्योरेंस इसीलिए करवाते हैं, आपने करवा रखी है? बहुत कम कंपनी है जो इंश्योरेंस करती है। अच्छा, वो भी है ना, इंश्योरेंस को पूरा नहीं करती। अच्छा, आपको पैसे वापस नहीं, एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा? एक्सपीरियंस अच्छा नहीं, अब जरूरत भी नहीं है इंश्योरेंस की, हम अपने आप रिपेयर कर लेते हैं इसको। अच्छा, तो इंश्योरेंस का प्रीमियम क्यों देना है इतना? प्रीमियम देने के बाद भी प्रीमियम रॉयल्टी मिलती नहीं है। हाँ, तो वही तो कह रहा है, जब प्रीमियम क्यों भरे फिर? आप इंश्योरेंस अगले साल करवाएंगे या फिर आप इंश्योरेंस नहीं करवाएंगे? अब कराएंगे, फिर भी कराएंगे, इंश्योरेंस तो कराएंगे, ये गवर्नमेंट का लाभ ही है। अच्छा, गवर्नमेंट ने वो कहा है कि पोली हाउस का प्रीमियम वो मतलब इंश्योरेंस कराना है आपको जरूर। अच्छा, जैसे गाड़ी के अंदर मैंडेटरी होता है, पोली हाउस के अंदर आपको इंश्योरेंस करवाना ही पड़ेगा? बैंक से ले रहा हूँ, बैंक से लोन ले रहा हूँ, तो उसका इंश्योरेंस जरूर होना है। ये क्या बात हुई, अगर खराब हो गया तो पैसे मिल नहीं रहे और इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा ही, ये तो भाई चित भी इनकी पट भी इनकी। हाँ, ये तो गंदा काम लग रहा है मेरे को थोड़ा, ये तो चीटिंग सी लग रही है मेरे को। हाँ, करीब करीब चीटिंग ही है। अच्छा, वैसे पहली बार एक्सीडेंट हुआ है ऐसा भाई? एक एक पोली हाउस 15-15, 20-20 लाख का बन रहा है, तो 40 लाख का। हाँ, 40 लाख का बन रहा है, अपनी जेब से 20 लाख भी लग रहे हैं तो आप समझ लो ना, मतलब 3 करें तो आपका 60 लाख का नुकसान हो गया, जीरो हो गया। और अगर वो इंश्योरेंस में नहीं मिला आपको तो वो तो आपके ऊपर ही आ गया सारा। आपने ये सब्सिडी ली थी स्टार्टिंग में, क्या आप अभी भी सब्सिडी ले रहे हैं? इसमें गवर्नमेंट का लाभ है कि वन टाइम हम इसका प्रूफ वो ले सकते हैं। अच्छा, एक बार में एक आदमी एक राशन कार्ड पर एक बार सब्सिडी ले सकता है पोली हाउस में। अच्छा, तो आपको अगर 4 पोली हाउस लगवाने तो 4 राशन कार्ड लगेंगे? 4 पोली हाउस में 4 राशन कार्ड लगेंगे। तो इसमें अगर आप अपने खर्चे पे करते हैं तो ये सब झंझट की कोई जरूरत नहीं है। ये शिमला मिर्च की जो खेती है इसके लिए मिट्टी पानी क्या चाहिए, जैसे कि EC होता है, TDS होता है, PH होता है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट है? इसके अंदर जो एक तो ना दोमट मिट्टी की ज्यादा बढ़िया रहती है, दोमट मिट्टी जो ज्यादा चिकनी ना हो और ज्यादा भुरभुरी भी ना हो, जो रेतीली है वो मिट्टी बनी चलेगी, बेसिकली आपकी लोम सॉइल जिसे बोलते हैं,
वो मिट्टी चलेगी जो यहाँ पे है, और बेड भी बना रखे हैं तो और ज्यादा नरम मिट्टी हो जाती है। अभी हाथ डालते हैं आप देख सकते हैं मिट्टी हाथ में आ गई। पीएच इसका 7.5 तक होना चाहिए, 7.5 पीएच से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली पानी मीठा होना चाहिए, खारा पानी बिल्कुल नहीं चलेगा। जागा पानी मतलब खराब यही चीज ज्यादा है जिसकी, तो वहाँ पे तो आरो लगाना पड़ेगा बिल्कुल। तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी मिट्टी वगैरह कैसी है, तो इसके लिए सबसे पहले आप मिट्टी और पानी की जांच जरूर करवा लें, जो सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम के अंदर आप मुफ्त में कृषि विज्ञान केंद्र से करवा सकते हैं। तो भाई साहब, एक आपने नेट हाउस लगा रखा है, तो ये नेट हाउस और ये पॉली हाउस में क्या मेजर फर्क है, और शिमला मिर्च की खेती के लिए क्या सूटेबल है? कॉन्सेप्ट अलग है पहली बात तो। अच्छा जी, पॉली हाउस में पॉली शीट होती है, ठीक है, उसके अंदर आप बारिश का पानी और गर्मी से थोड़ी प्रोटेक्शन भी रहती है, ठीक है, पॉली हाउस में। यस। अच्छा, नेट हाउस के अंदर नेचुरल ज्यादा रहता है, वेंटिलेशन अच्छा रहता है, इंसेक्ट नेट है ये। अच्छा, इंसेक्ट के अंदर जाने से रुकता है, बाकी इसके अंदर नेट होता है, शेड नेट है, शेड नेट है। तो बेसिकली ये इंसेक्ट नेट लगा रखा है और अंदर शेड नेट है, शेड नेट है। उसमें पॉली हाउस है, पॉलीथीन लगा रखी है ऊपर, और अंदर शेड नेट है, शेड नेट है, ठीक है। तो मान लो जैसे बारिश होगी, बारिश के टाइम पे पॉली हाउस के अंदर आप क्रॉप लगा दोगे, नेट हाउस के अंदर आप बारिश में क्रॉप नहीं लगा पाएंगे, तो ये पॉली हाउस के अंदर फायदा मिल गया, टोटली पानी अंदर जा रहा है इसमें, तो बारिश का पानी रुकेगा नहीं। एक पर्टिकुलर शेड रहती है इसके अंदर, शेडो रहती है, पॉली हाउस के अंदर शेडो कम रहती है क्योंकि डायरेक्ट धूप जाती है। अच्छा, इसमें इसके अंदर नेट की शेडो रहेगी। अच्छा, तो इसका बिल्कुल ही टाइमिंग अलग है, जो इसको समझने वाली बात है। पॉली हाउस के अंदर जो क्रॉप है वो जिस उसमें डलती है, जिस टाइमिंग पे डलती है, और नेट हाउस के अंदर जिस टाइमिंग है, उस टाइमिंग का बहुत फर्क है, क्योंकि इसके अंदर ठंडा ज्यादा रहेगा, ठंडा भी ज्यादा रहेगा, शेडो भी परमानेंट है इसकी, बारिश का पानी भी अंदर जा रहा है, तो प्रोटेक्शन इसके अंदर केवल इंसेक्ट की है, इंसेक्ट की प्रोटेक्शन है बस, वो फुली प्रोटेक्टिव है। अच्छा, जहाँ ज्यादा बरसात होती है वहाँ के लिए आप रिकमेंड नहीं करेंगे? देखो, बरसात के अंदर इसके हर चीज का सोल्यूशन है, जहाँ प्रॉब्लम है सोल्यूशन वही है। हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा ऊंचे पे लगाते हैं नेट को, अच्छा, और इसके अंदर स्लोप डाल देते हैं, और एक साइड पे ना गड्ढा बना के मोटर रख देते हैं वहाँ पे, जैसे बारिश हुई मोटर से बाहर पानी फेंक देते हैं। अच्छा, तो बेसिकली इसमें जमीन तैयार करते समय पे ही डाल देते हैं, जमीन जब तैयार करते हैं उसी टाइम पे हम इसको मल्च कर देते हैं, ताकि मिट्टी ज्यादा गीली ना हो। कई बार लंबी वो हो जाते हैं, क्रॉप का टाइम निकल जाता है और बारिश रुकती नहीं, क्योंकि उस टाइम पे दिक्कत होती है। बुआई के टाइम पे भी जो पॉली हाउस है उसके अंदर आपकी बुआई अगस्त में होगी, इसकी बुआई के लिए जमीन की तैयारी बारिश से पहले मई में करनी पड़ेगी, क्योंकि बारिश में तो चल नहीं सकता। पॉली हाउस में आपकी एक बूंद अंदर ना टपकेगी, बस, तो वो आप बरसात हो कुछ हो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, यही प्लस पॉइंट है इसमें। जैसे कि हार्वेस्ट के लिए तैयार है सामान, लेबर आ रही है और बारिश में बरसने लग गया, तो इसमें नहीं काम हो पाएगा, रुक जाएगा, पॉली हाउस में काम चलता रहेगा। अब जैसे सर्दी पड़ेगी उसके अंदर थोड़ा टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर जो क्रॉप अब मान लो खड़ी है ना, तो कैप्सिकम तैयार नहीं होनेगी, ठंड ज्यादा रहेगी, शेडो परमानेंट है इसके अंदर, धुंध भी जाएगी, पाला भी जाएगा। अच्छा, तो ये आपको पाले से भी कोई बचाव नहीं करेगा, तो सर्दियों में इसमें क्रॉप फेलियर का भी चांस बढ़ जाता है? फेलियर नहीं, बट लंबी चली जाएगी, राइपनिंग की तरफ कम जाएगी। तो इसमें सर्दियों में पाले के लिए, जैसे हमारे यहाँ पे तो पानी लगा देते हैं या फिर सल्फर का स्प्रे कर देते हैं, ये सभी होता है इसमें भी, इसमें भी पाले से बचाव के लिए क्या क्या करते हैं? सल्फर वगैरह का स्प्रे करते हैं। अच्छा, ऊपर सैड नेट को फैला देंगे रात को, तो डायरेक्ट पड़ा नहीं पड़ता। हाँ, तो आप क्या सलाह देंगे कि नेट हाउस में करना चाहिए या पॉली हाउस में, क्योंकि पॉली हाउस से कंपैरेटिवली 10-1 लाख रुपए कम में बन जाता है हमारा, 10-1 लाख रुपए कम में बनता है, और इसकी जो मेंटेनेंस है वो बहुत कम है बजाय पॉली हाउस के। अगर पॉली हाउस के अंदर आंधी आती है, शीट पड़ती है, तो बहुत ज्यादा खर्चा आता है। इसको नॉर्मल किसान भी लगा के इससे प्रॉफिट ले सकता है। अच्छा, प्रॉफिटेबिलिटी में केवल है ना, ये सोच लो कि 20-25% का फर्क है। अच्छा, यानी 20-25% पॉली हाउस के अंदर ज्यादा क्रॉप होती है, ज्यादा पैसा आता है, 20-25% इसमें कम है, इसमें कम बट हाँ, जब मेंटेनेंस का होता है तो उसमें इससे 4 गुणी है मेंटेनेंस, पॉली हाउस में 4 गुणा है, पर कुछ और
उसके साथ साथ नुकसान हो गया पन्नी फटने का, तो एक बार पन्नी फट जाए आई थिंक 4 लाख से कम का खर्चा नहीं होता, तो वहाँ से वहाँ पे ये 21 हो जाएगा। अच्छा, तो इसके अंदर मेंटेनेंस करना आसान है, प्लस कभी कहीं से फट गया जैसे यहाँ से भी हम देख सकते हैं, यहाँ से आपका पार्ट लिया था तो यहाँ पे आपने रफू कर दिया, रफू कर चेपी सी लगा दी, तो इस मामले में मेंटेन करना आसान है। पन्नी के इतना सा भी कहीं आ गया तो वो पूरी पन्नी अगर वो पटती है ना, एक जगह से पटनी शुरू होगी तो पूरी पट जाएगी अगर सही टाइम पे मेंटेन ना होते। तो आपने ये लगाया किस पर्पस से हुआ है, जब पॉली हाउस में ज्यादा प्रोडक्शन है, एक्सपेरिमेंट के तौर पे लगा रखा है? अभी शुरू में है ना गवर्नमेंट का रूल था कि एक नेट एक पॉली हाउस लगा सकते थे। अच्छा, एक राशन कार्ड, एक राशन कार्ड पे एक नेट और एक पॉली, तो आपने दोनों लगा लिए? देखते मैंने दोनों इसीलिए लगा लिए, एक पॉली हाउस पे भी उतना टाइमिंग देना और दो पे भी और चार पे और छह पे भी, टाइमिंग सेम है। काम करना मजदूरों को है, हमारी काम हमारा काम है देखा रेखी करना, तो एक पोले हाउस पे भी इतना ही टाइम लगेगा मेरा और चार पे भी इतना ही टाइम लगेगा। तो साथियों उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, तो लाल रंग का ये जो सब्सक्राइब का बटन है इसको दबाओ और लाइक करो, मौज मजे में खेलते जाओ। जल्दी मिलते हैं एक और ऐसे ही बहुत ही कमाल के फार्म पे, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, राम राम।